हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आलू गोभी के सब्जी, मसालेदार सब्जी बनाने वाली हूँ। सो मैं बताती हूँ, आलू हमने पहले से ही बॉयल कर लिया है और इसको फ्राई भी किया है, और गोभी को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और फिर इसको भी फ्राई किया है। गोभी में हल्का सा नमक डालें तभी फ्राई करें। और ये मसाला में हमने लिया है, जीरा है थोड़ा सा, हल्दी है, और ये मिर्च है थोड़ा सा, और ये गरम मसाला है जो कि हम बाद में डालेंगे। टमाटर हमने काट लिया है, धनिया पत्ता भी काट लिया है, और प्याज छोटे छोटे टुकड़े में काटे हैं, और ग्रीन चिल्ली है, और थोड़ा सा अदरक है, और तेज पत्ते हैं। तो कढ़ाई हमने पहले से ही रख लिए हैं। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। कढ़ाई पहले से ही हम चढ़ा लिए थे, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने दीजिए ऑयल को। फिर इसमें हम तेज़पत्ते डालेंगे। रेड चिली नहीं इस्तेमाल किए हैं, ग्रीन चिली ही इस्तेमाल किए हैं। तेजपत्ते थोड़ा सा ब्राउन होगा। ये देखिए हमारे तेजपत्ते हो गए हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने बारीक काटे हुए हैं। प्याज डालेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे प्याज को। हमारी गोभी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट हो गई। अब देखिए प्याज हो चला है, थोड़ा सा ही प्याज को भूनना है। अब इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए प्याज हमारा हो चला है थोड़ा सा ब्राउन, और ग्रीन चिली भी हो चला है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। दो टमाटर हमने लिया है। टमाटर को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा, फिर टमाटर नरम हो जाए। और इसको मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मसाले ऐड करेंगे। मसाला ज़्यादा हमने नहीं लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, और ये जीरा पाउडर लिया है, और ये थोड़ा सा गोल मिर्च लिए हैं, बस लहसुन लिए हैं दो तीन कली, और इसमें जो अदरक कूटे थे वो कूटा हुआ अदरक मिला देंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, और थोड़ा सा इसको लाल होने दीजिए, ब्राउन होने दीजिए। ये देखिए हमारे मसाले भुना चुके हैं, और ये मसाले में हमने ग्रीन चिली का ही इस्तेमाल किया था, रेड चिली नहीं लिया था, इसलिए कलर थोड़ा सा आने के लिए हमने इसमें कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा डालिए कश्मीरी मिर्च, बस। फिर इसको मिला देंगे। अच्छे से मिला लीजिए इसको। ये देखिए हमारे मसाले हो चुके हैं। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू को हम थोड़ा सा नमक देकर पहले से ही फ्राई कर लिए हैं। फिर इसको मिलाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होगा सब्जी, आलू की और गोभी की। ये देखिए आलू हमने भून लिया है, मसाले में पूरी तरह मिल चुका है। अब इसमें हम गोभी ऐड करेंगे। गोभी भी हमने पहले से ही फ्राई किया था, इसमें नमक डाल लीजिएगा ज़रूर, और इसको अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें अंदाज से ही नमक डालें स्वाद अनुसार, क्योंकि आलू में भी नमक था और गोभी में भी नमक था। टमाटर गलने के लिए भी थोड़ा सा नमक डाले थे, तो इसमें अब नमक थोड़ा सा ही डालें, फिर इसको मिला दें। और मिला के इसको थोड़ी देर के लिए, 2 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, इसको ढक दें। ये देखिए हमने ढक दिया था, अब इसको हम ओपन करेंगे और इसको चलाएंगे। ये देखिए हमारा आलू गोभी की मसालेदार सब्जी पूरी तरह से हो चुकी है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालें ग्रेवी के लिए। जितना आपको ग्रेवी रखना हो उतना पानी ऐड करें। अब इसको 2 से 4 मिनट तक इसको ढक दें, बॉयल होने दें। हाँ तो चलिए देखते हैं हमारी सब्जी। वाओ कितना अच्छा कलर, देखिए ग्रेवी भी गाढ़ा हुआ है। हमारा हो चला है सब्जी। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसको मिलाएंगे। ये देखिए हम इसे सर्व करेंगे बाउल में। देखिए ग्रेवी हमारी कितनी गाढ़ी हुई है। ये देखिए हमारी सब्जी सर्व हो गई है, निकाल लिए हम। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। आलू गोभी की हमारी सब्जी है। ये हमने धनिया पत्ता डाल लिए। ये देखिए हमारी सब्जी पूरी तरह रेडी हो गई है। अब इसे आप एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।